Hey everyone, this is Anjali. Welcome back to my YouTube channel. तो guys, ये DSSPPRT के question paper है और आज से मैं आपके previous year question paper कराऊंगी. YouTube पे आपको videos मिल जाएंगे and जितने भी classes है pedagogy के like NOS के जो notes है वो भी मैं आपको provide कर रही हूँ Telegram channel पे और वीडियोस भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ. अभी तक मैंने 5 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है आज से स्टार्ट हो रही है. एंड आपको पैटर्न पता है कि देयर आर 200 क्वेश्चंस एंड आपको जो टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स मिलेगा, यानी आपको जो मिनट मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है, मतलब ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम है, 120 मिनट्स होगा एंड टोटल क्वेश्चंस आर 200 एंड आपको जो टोटल मार्क्स है वो 200 होंगे. ठीक है, क्योंकि पार्ट ए एंड पार्ट बी में हो रहा है तो देर आर टू पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट बी इज़ आपका टोटल आपका पैडागॉजी होगा. ए में आपके सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, जीएस, मेंटल, रीजनिंग हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, ये सब इंक्लूडेड होते हैं. आई थिंक पैटर्न का भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करे हैं, आप देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्या है और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सब बताया मैंने. ठीक है, और एज लिमिट क्या होता है इसमें, इंटरव्यू होता है कि नहीं ये भी बताया मैंने आपको. इंटरव्यू नहीं होते, डायरेक्ट आपका हो जाता है इसमें. तो पहला जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे. रीजनिंग के क्वेश्चन 20 होंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, दोनों बायलिंगुअल में आपको बताऊंगी मैं, आपको जो भी लैंग्वेज अच्छा लगेगा वो आप देख सकते हो. क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ लेते हैं पहले. वह संख्या ज्ञात करें जिसे 19 बार उसी से जोड़ने पर उसका परिणाम 400 आता है. लाइक आपको पता करना है, फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ 19 टाइम्स गिव्स 400. ओके, तो मान लीजिए वो अगर संख्या है, पहले तो मान लीजिए वो अगर 18 है, अब कह रहा है कि उसी का जोड़ने में 18 टाइम्स जोड़ने के लिए आपको क्या करोगे, इसमें पहले ही तो वो संख्या है, फिर 18 टाइम्स कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, 18 में इसको 19 टाइम्स गुणा कर देंगे और आपका 18 ऑलरेडी है, तो इसका जो नंबर आएगा उसके बाद ये करोगे तो आप देखोगे कि इसमें 400 नहीं आएगा. तो जब 20 का करोगे, 20 आपका है ऑलरेडी, उसके बाद आपको कह रहा है कि उसी में 19 टाइम्स आपको जोड़ने पे, तो 9 गुणा कर दीजिए तो डायरेक्टली आ जाएगा, तो उसके बाद ये प्लस करेंगे तो 400 आ जाएगा. ठीक, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको उस संख्या युग्म को चुनने जिसमें वही संबंध है जो नीचे दिए गए संख्या युग्म में, मतलब जो पेयरिंग है एग्जैक्ट पेयरिंग ऐसी है जैसे कि ये आपको एग्जांपल दिया गया, जैसे 3 और 18 तो 3 का अगर हम देखें इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो इसमें जो रिलेशन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो एग्जांपल दिया गया है उसमें रिलेशन कैसा है. तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 3 3 9 हो जाता है. अब हम 9 का भी स्क्वायर करते हैं, यानी हम 3 के स्क्वायर जो हमें मिला उसका भी स्क्वायर करते तो हमको 81 मिलता है. हम सेम पैटर्न यहाँ नीचे अप्लाई करेंगे, 4 का देखेंगे तो 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है. 16 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो 64 नहीं आएगा. ठीक है, तो ये तो गलत हो गया पहला. 5 का करोगे तो 5 का आपका 25 हो जाता है स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर करोगे 625 हो जाता है, तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और 1 का तो होगा ही नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है. तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 मिलता है. अब हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 625 मिलेगा, इज द राइट. ओके, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड 2 कंक्लूजन्स दिए गए हैं. ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो भी विकल्प में ये दिया गया स्टेटमेंट उनमें से निष्कर्ष के बारे में सही टिप्पणी को चुनना है आपको. तो इसमें बोला है कि ऑल फॉरेस्ट आर ट्रीज. ठीक है, स्टेटमेंट है कि सभी फॉरेस्ट क्या हैं, ट्रीज हैं, यानी सभी जंगल क्या हैं, मतलब ये पेड़ है सभी जंगल, ये जंगल हो गया. ठीक है, ये फॉरेस्ट हो गया और ट्री, तो सभी जो जंगल है वो ट्री हैं, तो ये आपके पेड़ के अंदर आपका जंगल आ गया. अब कह रहा है कि सम ट्रीज आर लायंस. अब इसमें कह रहा है कि कुछ ऐसे ट्री हैं जो कि लायन है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो. ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हो, बन जाएगा ना. तो इसमें देखिए, देखिए सम ट्रीज आर लायंस, अब ये लायन हो गए, कुछ ट्री लायंस हैं ये बोल रहे हैं ना, तो कुछ पेड़ लायन है. अब सम लायंस आर फॉरेस्ट,
तो हो सकता है कि आपका जो कंक्लूजन है उसमें ये इस तरीके से भी बन सकता है, डायग्राम इस तरीके से भी बन सकता है. तो सम लायंस आर फॉरेस्ट हो सकते हैं, इस तरीके से बनेगा. नो लायन इज़ फॉरेस्ट, और ऐसा भी हो सकता है कि ये फॉरेस्ट ना हो. तो दोनों ही कंक्लूजन हो सकते हैं. तो इधर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज, तो दोनों हो सकते हैं, या तो निष्कर्ष वन या निष्कर्ष टू अनुसरण करता है. ठीक है, तो ये सही हो जाएगा दोनों. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है, अरेंज द गिवन वर्ड्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर टू चूज द वन दैट वुड कम लास्ट. अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको बताना है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको कैसे बताओगे? जैसे कि जो सीक्वेंस होता है ए बी सी डी का, अगर जो सीक्वेंस है उसमें डिक्शनरी देखा होगा, स्पेलिंग अल्फाबेट के सीक्वेंस में अरेंज होता है. तो सब में एल है, ठीक है, एल भी सब में है, इसमें भी है, जी जी सब में है. तो अब हमको फाइंड आउट करना है कि ए बी सी डी में, मतलब ये ए तो पहले आता है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी पहले आता है. तो पहले तो हमको ये आएगा, मतलब सबसे लास्ट में कौन आएगा, सबसे पहले ये आएगा. ठीक है, क्योंकि ए इसमें भी है लेकिन सी पहले आ जाएगा. ठीक है, अभी इसमें देखते हैं. ठीक है, इसमें आई है तो आई को नहीं ले रहा है, ई इसमें एन है तो ये आपका एम एन ओ पी, तो एल ये दूसरे पे आ जाएगा, ये तीसरे, सबसे लास्ट में आपका ये आ जाएगा. ठीक है, ये आ जाएगा क्योंकि इसमें आई आ गया है और आई हमेशा ई के बाद आता है. तो लेजिबल जो होगा ये आपको इस तरीके से अरेंज करना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिव्या इज टॉलर देन मधु, यानी जो दिव्या है एक गर्ल है, दिव्या जो है, मतलब डी में लिख सकते हो, दिव्या इज टॉलर देन यानी बड़ी है. टॉलर देन किससे? मधु से. ठीक है, मधु से बड़ी है लंबाई में. ठीक है, बट नॉट एज टॉलर एज रोशनी. तो रोशनी जो है वो सबसे बड़ी है, आर जो है रोशनी दिव्या से भी बड़ी है. तो सूर्या जो है, सूर्या एक गर्ल है, इज शॉर्टर देन दिव्या. अब ये दिव्या से एक लड़की और बीच में आ जाती है जो कि शॉर्टर है सूर्या, मतलब सूर्या जो है, सूर्या भी छोटी है दिव्या से. ठीक है, ये भी छोटी हो गई दिव्या से. अब कह रही है कि बट टॉलर देन दिव्या, लेकिन ये जो सूर्या है ये नित्या से बड़ी है, नित्या से बड़ी है यानी. ठीक है, हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, यानी इन सब में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? रोशनी हो जाएगी. ठीक, तो रोशनी सबसे लंबी हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. जब भी आप मिरर में देखोगे तो जो भी आप चीज़ दिखाओगे उसका उल्टा हो जाता है, मतलब स्पेलिंग भी उल्टी हो जाएगी. जैसे ये टोमेटो है, टोमेटो को उल्टा कर देंगे तो ओ टी ए एम ओ टी ये आ जाएगा. तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, बस सिंपल सा था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, रीजनिंग का आ रहा है. अगर डी है, अगर डी को हम फोर लिखते हैं तो अल्फाबेट में आपको नंबरिंग करनी होगी. तो ए बी सी डी आप लिखते हो ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, जहाँ तक इस पर स्पेलिंग दिख रहा है आपको, एम एन है. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि डी अगर फोर है, ये फोर नंबर है, तो आपको पता चल गया आप सब नंबरिंग पे है. तो फैन को 21 लिखा है, तो 1 2 3 4 और ये डी हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से करोगे ना, तो आपको पता है. ये सीक्वेंस का कुछ गड़बड़ हो गया. अच्छा, डी को मैंने पहले कर दिया ना. ठीक है, चलिए चलिए इसको करेक्ट करती हूँ मैं, एक सेकेंड, जस्ट वन मिनट. ये डी आ गया था, ए बी सी डी लिख दो आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी. ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, अब हमको पता है फैन कैसे 21 आएगा. आपको पता है फैन में एफ कितने नंबर पे आता है? 6. ए कितने पता है? 1. तो 7 हो गया. अब एन कितने नंबर पे आ गया? 7 एंड एन 14. ओके, जस्ट देयर इज अ मिस्टेक. एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एम एन ओ. हाँ, 14 है ना, सही तो है. 14 और 7, 14 जोड़ोगे तो कितना? 21. सही है. ठीक है, तो यही आ जाएगा. अब आप पूछ रहे हैं कि क्लॉक का जब आप करोगे ना, तो सी कितने नंबर पे आता है? सी आपका 3 नंबर पे आता है, राइट. सी 3 नंबर पे आएगा, तो एल कितने नंबर पे आएगा? एल का भी लिख के बताया मैंने, 12 हो जाएगा. फिर आपका ओ कितने नंबर पे? 15 नंबर पे आ रहा था.
और 3 पे आपका सी आएगा कि आपका कितने नंबर पे आएगा, 11। अब इसको ऐड करोगे तो आपका 44 आ जाएगा आंसर, क्योंकि ठीक है इस तरीके से करना था। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड सॉरी। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द बिलो टेबल, इसमें मिसिंग नंबर आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, 4 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 4 का क्यूब करिए आप, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 16 इस तरीके से आपको 4 4 into 4 कितना आएगा, 64 होता है। 64 में अगर हम देखें तो 64 में अगर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 4 को, हमको 60 आंसर मिल जाएगा। ये पैटर्न अगर करिए, फिर 3 का करेंगे तो कितना होगा, जो नंबर ऊपर दिया उसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3 का 27 होता है, और 27 में 3 माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। 2 का कितना होता है, 8 होता है, 8 में 2 माइनस करेंगे 6 आएगा। 10 का कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है, 1000 हो जाएगा। 1000 में 10 माइनस करोगे तो 990 हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द आंसर, सेकंड विल बी द करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा बेसिक है, एक रियलिस्टिक है, मतलब रियल है, प्रैक्टिकल से जुड़ा है, मतलब आप कर सकते हो। एक पार्टी में दुर्भाग्यवश आपके दोस्त से आपके ऊपर शीतल पेयजल गिरा देता, कोई कोल्ड वाटर गिरा देता है आपके ऊपर, आपका फ्रेंड, पार्टी में जनरली होता है, तो आपकी सर्वोत्तम कार्रवाई क्या होगी, आप उस एक्शन क्या लोगे उस टाइम। तो आप उसे डांटोगे, डांटोगे भी सही है बात, तो डांटोगे, या फिर आप ये आप बताइए, आप उस पर हंसेंगे, हंसेंगे क्योंकि क्योंकि आपके ऊपर गिरा है, आप उससे भी पोशाक, ये तो बहुत बच्चों वाली हो जाएगी कि हम तुमने गिव एंड टेक वाला, मैंने पे किया है तो बहुत भयंकर है, ये तो हम अपने हिसाब से करते हैं ना बेसिकली। अब यहाँ पे आपको अपने हिसाब से नहीं करना है, यहाँ पे एग्जैक्ट सही आंसर देना है। तो आप कहेंगे ठीक है, लेकिन फिर भी नाराज होंगे, अपने दोस्त से नाराज होंगे कि क्योंकि पार्टी में है आप, वहाँ पर हंगामा नहीं करोगे, करने वाले तो कर ही देते हैं, कहीं भी लड़ाई देखते हो बसेस में हो जाती है तो, लेकिन आप ये एक मैनर है, वो आपको उस मैनर से आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक्स इंटू जो है, इंटू जो ये बताता है कि सेम एज के हैं, जब इंटू रहेगा तो ये बताएगा कि बच्चे जो हैं सेम एज के हैं, तो एक्स और वाई सेम एज के हैं क्योंकि इनके बीच में इंटू है। अगर एट द रेट लग रहा है ना, तो आगे वाला हमेशा बड़ा होगा, तो वाई एक्स से छोटा है तो पीछे वाला हमेशा छोटा होगा, ठीक है, ये ही फॉलो कर रहा है। तो अब यहाँ पे कीर्ति और रम्या होंगी जो सेम एज की होंगी, लेकिन जो रम्या है वो माला से बड़ी होगी और माला रम्या से छोटी होगी, तो सीधी सीधी आंसर क्या है कि माला सबसे छोटी हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम एज के हैं और ये रम्या बड़ी हो जाएगी इससे, जबकि ये छोटी, ये माला छोटी हो जाएगी, तो माला सबसे छोटी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका वाई प्लस जेड होता है, डब्ल्यू प्लस जेड आपका ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे, अगर हम इसको, अगर हम मान लीजिए सपोज हम इसको 6 रख देते हैं, इसको हम एक्स को हम क्या कर देंगे 4 रख देते हैं, और वाई को भी इसी तरीके से रखेंगे ताकि जो वैल्यू है सेम आ जाए। तो अगर आप देखें तो ये इसको हम 7 कर देते हैं और इसको हम 3 कर देते हैं, राइट, ठीक है, अगर कर देते हैं हम ये, ओके, कि टोटल 10 आ जा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे यही चीज करेंगे, वाई की वैल्यू हमने कितनी रखी, ये वाले पे रखेंगे, इसमें वैल्यू रखें 6 रखी थी हमने, अब प्लस जेड की वाली 3 हो जाएगी, तो ये 9 आ जा रहा है। अब हमने एक्स का क्या रखा है, एक्स का हमने रखा है 4 और वाई का कितना रखा है 7, तो ये नहीं बन रहा है ना, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हम एक सेकेंड इसका उल्टा कर देते हैं, रुकिए, W प्लस एक्स का हम रख देते हैं, इसको 7 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, ठीक है, और Y को हम इसको 6 कर देते हैं और इसको 8 कर देते हैं, और Z को हम 2 हाँ 8 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। अब रख के देखते हैं वैल्यू क्या हो जाएगी। ओके, जो हमने पहले वाला किया ना, हमको वही करना है, ठीक है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है,
आप क्या करिए, W की जगह आप क्या रख दोगे, आप 7 रख दीजिए, और X की जगह आप 3 रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे Y की जगह आप 6 रख दीजिए, और Z की तरह आप 4 रख दीजिए, ठीक है। तो ये 10 10 आ गया इसमें। अब ये जो X Y W की वैल्यू यहाँ पे इसमें रखिए, ठीक है। W की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, 7, और Z की वैल्यू हम 4 रखेंगे, और ये ग्रेटर देन कह रहा है, और X की जगह हमने 3 रखा है, और Y की जगह हम क्या रखेंगे, Y की जगह अगर हम देखें तो Y की जगह हमने क्या रखा है, हमने 6 रखा है। तो अब ये 9 हो जाएगा, जबकि ये ज़्यादा ही होगा, ठीक है, 11 हो जाएगा। तो ये ऑब्वियस, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, जबकि देखिए W जो गलत आंसर पूछा ना, गलत आंसर आपको बताना है। ये तो सही है कि W जो है वो ज़्यादा है, W की वैल्यू हमने क्या बोली थी, 7 है, तो W ज़्यादा है X से, ये भी सही है, और W Y से भी ज़्यादा, क्योंकि Y की वैल्यू 4 है, W की 7 है, और Y जो है Z से ज़्यादा है, ठीक है, वाई जो है जेड से ज्यादा है। वाई की वैल्यू क्या रखी है हमने, हाँ जेड से ज्यादा है, ये भी 6 रखी थी, लेकिन ये जो एक्स है वो जेड से ज्यादा नहीं है, क्योंकि जेड की वैल्यू 4 है और एक्स, तो ये गलत हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन गलत सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक कथन और दो निष्कर्ष दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्षों के बारे में सही टिप्पणी चुननी है आपको, कि सही है या निष्कर्ष जो दे रखा है वो स्टेटमेंट पे के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं। तो स्टेटमेंट है कि गर्मी के समय में मौसम के दौरान प्रदूषित पानी पीने के कारण प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग मृत्यु हो जाती है। गर्मी के समय जो पोल्यूटेड पानी होती है, कंटेमिनेटेड होती है, उसको पीने से लोगों की डेथ हो जा रही थी। इसका कंक्लूजन है कि सरकार को अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने की पर्याप्त व्यवस्था करनी, ये भी बात सही है, ठीक है, क्योंकि तो पानी बेकार हो गया, प्रदूषित है, लोगों को प्रदूषित पानी पीने से होने वाले खतरों के बारे में शिक्षित उनको अवेयर करना चाहिए। दोनों ही सही है, निष्कर्ष एक और दो दोनों ही क्या करते हैं, अनुसरण करती हैं, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको असंगत या विषम ज्ञात करना है, जो अलग है, तो चीक, फुफकार, म्याओ, ये सब साउंड होती है, ठीक है, ये साउंड है जो आवाज़ निकालती है, लेकिन ये तो आपका बत्तख का बच्चा उसमें नहीं आता है ना, तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नवीना जो है, मान लीजिए नवीना 29 लड़कियों की एक कतार, एक लाइन है पूरी, ठीक है, ये 29 लड़कियों की एक लाइन है, 29 लड़कियों की लाइन है इसमें, ठीक है। इसमें कह रहा है कि लड़कियों की कतार में बाई, मान लीजिए जिसको लेफ्ट मान लिया, इसको राइट मान लिया, तो बाई छोर से 17, यहाँ से जो है 17 पोजिशन पर कौन है, नवीना बैठी है, ठीक है, और रीना उसी कतार से दाई छोर पे 17वें स्थान। अब यहाँ से इसी कतार में एक रीना लड़की है जो कि 17 पे बैठी है, यहाँ पे आर बैठी है, यहाँ पे एन बैठी है। अब पूछ रहा है कि इनके बीच में कितनी लड़कियां हो जाएंगी, तो अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, तो यहाँ 17 के बाद आपकी 29 कैसे होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ से शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 17 कर दिया, यहाँ इधर 12 लड़कियाँ बैठेंगी, क्योंकि 17 में 12 जोड़ोगे तभी तो 29 होगा, इधर 12 लड़कियाँ बैठे, तो यहाँ पे हमने देखा कि 17 से पहले क्या आएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा, इधर 14 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि इधर से 17, यानी आपका 12 इधर हो गया, 13 14 15 16 17, इधर से 17 पे ये बैठी है, अब इनके बीच में 3 लड़कियां बैठेंगी, ठीक है, 3 लड़कियां बैठेंगी, तो ये आसान था, 3 लड़कियां हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है, थर्ड ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है, यहाँ क्वेश्चन है कि आपको एक प्रश्न और दो कथन दिया गया, एक और दो दिया गया, ठीक है, आपको यह तय करना है कि क्या कथनों में दिया गया डेटा, जो भी आपको डेटा प्रोवाइड किया है, वो आंसर देने के लिए क्या है, सफिशियंट है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, मोहन, अरुण, सुरेश, रवि, प्रवीण में से जन्मदिन पार्टी में आखिर में कौन आया, ये आपको बताना है। तो देखिए, मोहन जो है अरुण के बाद आया, तो मोहन अरुण जो है वो पहले आया, ठीक है, अरुण पहले आया फिर मोहन आया, लेकिन प्रवीण के बाद नहीं, तो प्रवीण जो है सबसे इधर आता है। अब कह रहा है रवि प्रवीण के बाद आया, रवि जो है वो प्रवीण के बाद आया, तो प्रवीण के बाद रवि आता है, लेकिन सुरेश के बाद नहीं, अब सुरेश सबसे लास्ट में आता है, इसमें ये आंसर देने के लिए सबसे सही है ना, दोनों ही सही हो जाएंगे, क्योंकि आंसर बताना है कि पार्टी में कौन सबसे लास्ट में आएगा, तो कथन ए और दोनों ही दिए गए जो डेटा है प्रश्न के उत्तर देने के लिए आवश्यक होंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है, अगर दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, मान लीजिए मैप है, आपको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब इसमें कह रहा है कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, दक्षिण पूर्व मतलब इन दोनों को क्या कहा जा रहा है, पूर्व कहा जाता है, ठीक है,
ईस्ट कहा जा रहा है, और उत्तर पश्चिम को, ये जो उत्तर पश्चिम है इधर वाले एरिया को क्या कहा जा रहा है, पश्चिम कहा जा रहा है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम को, इसको एरिया को दक्षिण कहा जा रहा है, ठीक है, अब कहा जाता है। और इसी प्रकार अन्य, तो उत्तर किसे कहा जाएगा, तो अब बताइए उत्तर किसे कहा जाएगा। देखिए उत्तर जो होगा, या तो उत्तर पश्चिम को भी कह सकते हैं, जिसमें आगे वाला शब्द है ना उसी को लेना है, तो इसमें तो कुछ नहीं है, उत्तर शब्द इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, तो उत्तर पश्चिम को कहेंगे, ठीक है, उत्तर पूर्व को भी कह सकते हैं। ओके नेक्स्ट है, इसमें आपको फाइंड द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इन द फॉलोइंग। आपको पैरेललोग्राम की जो है मतलब समांतर जो चतुर्भुज है उनकी संख्या बतानी है। तो समांतर चतुर्भुज आमने सामने की बजाय बराबर होते हैं, तो इसको करने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ कि कितने बनेंगे कैसे। तो ये जो इमेज आपको दिख रही है ना कैसे बनेंगे, देखिए ये आपका इमेज दिया गया है, पूछा गया है, तो पहले आप इन दोनों में इस जैसे बना लीजिए, इनको निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए 1 2 3 ये बने, और बाकी ऐसे करने पे जो बनेगा ये बनेंगे, तो टोटल आपके ऐसे बनेंगे, ये पूरा आप देख सकते हो, तो 15 बनेंगे, ठीक है, 15 नंबर होंगे पैरेललोग्राम के, ठीक है। सो 15 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 8, हाँ ये जो है इसमें आपको बतानी है, इस चैन को जो है उसमें जो यहाँ पे एब्सेंट नंबर है उसको, जो मिसिंग है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें क्या है कि 1 का स्क्वायर है, 1 का क्यूब हो जाएगा, इसी तरीके से इसमें यहाँ पे गैप दिया है, तो 4 ये गैप, यही गैप है जो अभी नहीं हमें पता है, ठीक है, लेकिन हमें आगे का पता है कि 4 का अगर हम देखें, 2 का ही 1 2 ऐसे अगर 2 का देखा जाए, तो 2 का अगर हम करेंगे स्क्वायर तो 4 होता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है, उसी तरीके से 3 का करेंगे स्क्वायर तो 9 होता है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होता है, 4 का क्यूब करेंगे 6, तो इसी तरीके से फॉलो किया गया, तो यहाँ पे 1 का ये हो जाएगा, तो 1 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे वेन डायग्राम से क्वेश्चन है जो करेक्ट बताता है, क्लॉथ्स फ्लावर रेड, ये तीन चीज़ें दी गई हैं, क्लॉथ्स रेड हो सकती हैं, ठीक है, मान लीजिए ये रेड है, रेड क्लॉथ्स भी हो सकती है, ठीक है, क्लॉथ्स रेड हो सकती है, फ्लावर भी रेड हो सकती है, तो ये सही है, ठीक, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है कि एक महिला का परिचय कराते हुए संजय ने कहा कि वह महिला, जो एक महिला को दिखा रहा है कि वह उस महिला की बेटी है, मतलब एक लड़की एक बेटी यहाँ पे कोई है, ठीक है, इसको दिखा रहा है, कह रहा है कि वह महिला जो है, महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है, मतलब उस माँ है, मतलब इसके पापा हैं, इसके फादर के माँ है, मतलब दादी लगेंगी इसकी, ठीक है, इसकी दादी लगेंगी, जो लड़का है उसकी दादी लगेगी, और दादी की माँ है, तो महिला का संबंध संजय के साथ किस प्रकार, तो ये जो बेटी कह रही है, मतलब ये जो कह रहा है इनकी बेटी है, तो दादी की बेटी मतलब मेरे पापा की बहन, अब बहन क्या लगती है, बुआ, आंट, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।